नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं न्यूज अब। मीठा खाड़ी पंचायत में गर्मी के मौसम में पानी की आपूर्ति को निर्बाध रखने के लिए कुआं खोदने का काम शुरू किया गया है। बुधवार को ग्राम पंचायत मीठा खाड़ी के पंचायत भवन के पास खुदाई के लिए भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर विमलीगंज के RCD AWD कार्यकर्ता अभियंता सुब्बा राज, सहायक अभियंता AWD फरारगंज प्रदीप सरकार और कनिष्ठ अभियंता AWD नमूना घाट राधा बाई उपस्थित रही। इस मौके पर अंडमान लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस कुएं के विकास से पानी की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और मीठा खाड़ी के लोगों का जीवन स्थितियों में राहत मिलेगी। स्वच्छता और विश्वसनीयता पानी तक पहुंच किसी भी समुदाय की भलाई और समृद्धि के लिए मौलिक है और यह पहल इस बुनियादी मानवीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इस महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत के अवसर पर मीठा खाड़ी के प्रधान मोहम्मद सफीश ने औरंगाबाद बड़ा नाला जल परियोजना की शीघ्र शुरुआत की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे पंचायत को हमेशा के लिए जलापूर्ति संभव हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से ओगरा ब्रास मुस्लिम बस्ती और मीठा खाड़ी गांव के सभी निवासियों के लिए बढ़ी हुई और पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकती है। अवैध लकड़ी के साथ साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को आगे की कार्रवाई के लिए उसे वन विभाग के हवाले कर दिया। CS की टीम को सूचना मिली कि स्कूल लाइन में एक व्यक्ति के पास पड़ाक लकड़ी रखी हुई है। सूचना के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने शिव मंडल नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा। वह स्कूल लाइन पोर्ट ब्लेयर में अपने घर के परिसर में विभिन्न आकारों की 0.722 CBM अवैध लकड़ी की 18 टुकड़े रखा हुआ था। पुलिस टीम ने पड़ाक की लकड़ी को जब्त कर लिया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम ने जब्त सामान के साथ हिरासत में लिया एक व्यक्ति को आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए वन विभाग गारा चरमा रेंज के अधिकारियों को सौंप दिया है। पुलिस ने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे किसी भी प्रकार के अवैध गतिविधि से संबंधित किसी भी विश्वसनीय जानकारी के बारे में पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। CIARI की ओर से पोर्ट ब्लेयर में निकोबारी जनजातीय किसानों के लिए कृषि बागवानी फसलों में गुणवत्तापूर्ण बीज और रोपण सामग्री पर 3 दिवसीय एक्सपोजर विजिट सह परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के निदेशक डॉक्टर एकनाथ पी चाकुरकर ने किया। कार्यक्रम में प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख बागवानी और फसल सुधार प्रभाग DPK सिंह और पाठ्यक्रम समन्वयक डॉक्टर पूजा बोहरा तथा डॉक्टर अजीत वामन ने सभी प्रशिक्षुओं से द्वीप कृषि के संदर्भ में कृषि बागवानी फसलों में नवीनतम गुणवत्ता वाले रेट और रोपण ग्रामीण को सीखने के कार्यक्रम से अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण बीज पैदा करने, फसल कटाई के बाद उसकी देखभाल और भंडारण के तरीकों पर जोर दिया। डॉक्टर पूजा बोहरा ने प्रतिभागियों को सही मात्रा पौधे के चयन और उनके प्रबंध के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए बागवानी फसलों के विभिन्न मात्र ब्लॉकों का दौरा आयोजित किया। इसके बाद डॉक्टर अजीत वामन ने प्रशिक्षुओं को संस्थान की बागवानी पौधों के प्रसार इकाई में प्रसार के विभिन्न तरीकों पर व्यवहारिक अनुभव और प्रदर्शन प्रदान किया। प्रशिक्षुओं ने ब्लेमिंगटन फार्म शोभेदारी की दौरा किया, जहां फार्म प्रबंधक ने उन्हें चावल और दालों में बीज उत्पादन और भंडारण
तकनीकों बोरत बेड फरो सिस्टम की उपयोगिता कृषि मशीनिंग के प्रकार और उनके उपयोग के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षुओं ने सब्जी अनुसंधान ब्लॉकों का भी दौरा किया। इसमें उन्हें सब्जी की खेती के विभिन्न तरीकों का प्रदर्शन किया गया। प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रशिक्षुओं को बागवानी अनुसंधान फर्म सिप्पी घाट लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर अजीत वर्मा ने नारियल सुपारी और मसाले की नर्सरी और उत्पादन तकनीक दिखाई। समापन कार्यक्रम के किसानों वैज्ञानिकों के बीच बातचीत की गई, जिसमें RCRCIRI निदेशक और आयोजक टीम की उपस्थिति में आदिवासी किसानों द्वारा खेती में आने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके बाद रोपण सामग्री और कृषि इनपुट का वितरण किया गया। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर पीके सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। एनडीयू मोसेस फर्स्ट हेडमैन हरमिन बे लिटिन अंडमान के साथ साथ 10 आदिवासी किसानों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। पॉट प्लेयर के हेडों में पुलवामा में शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए बुधवार की शाम श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष वी नारायण प्रकाश नायडू, अंडमान निकोबार बाल कल्याण के अध्यक्ष वी वेंकट राव, सचिव वेंकटेश्वर राव, सत्यजीत नस्कर, दक्षिण अंडमान जिले के उप स्वास्थ्य सचिव अब्दुल जब्बार, उप राज्यपाल के प्रशस्ति पत्र में सम्मानित तथा द्वीपों की जामी मानी समाज सेविका वी डी लेजो मौजूद रही। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के हमले में मारे गए भारतीय सेना के शहीदों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोगों ने शहीदों को याद करते हुए उनके सम्मान में मोमबत्ती जलाई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जी नरेश, पूर्व पार्षद हेमा राव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी प्रीति, मंडल अध्यक्ष सी पालराज, रूफत लक्ष्मण सहित तमाम लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कालीकट गांव में साइट इन के साथ ग्रामीण सड़क के निर्माण की आधारशिला रखी। शिलान्यास मौके पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष एस भूमिनाथ, प्रधान टी यंग बर्मन, उप प्रमुख डी सत्यनारायण उपस्थित रहे। ग्रामीण सड़क व नाला कालीकट गांव के वार्ड नंबर 1 स्थित के श्रीनिवासन के घर से पेरिया स्वामी के घर तक बनाया जाएगा। बता दें कि इस सड़क को लेकर वार्ड के लोग काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। सड़क के बनने के बाद लोगों की आवाजाही सुगम हो सकेगी। शिलान्यास मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि एक बार जब सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो वार्ड के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सड़क और नाले का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में वार्ड के लोग उपस्थित रहे। प्रादेशिक कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रंगलाल हल्दर और अभियान समिति अध्यक्ष डीएसजी भास्कर के नेतृत्व में बाराटांग में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पार्टी के लिए प्रचार करने और हर घर तक पहुंचने के तरीकों पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी पार्टी सदस्यों व कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। कांग्रेस नेता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि आम लोग जो भाजपा शासन से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं, वे चुनाव के दिन मतदान केंद्रों पर पहुंचे और कांग्रेस पार्टी को समर्थन दें। सम्मेलन में कांग्रेस नेता ए आर मणिकम, साजी वर्जेस, युवा कांग्रेस के अध्यक्षा दीक्षा दुलार, NSUI के अध्यक्ष MA साचिद,
कांग्रेस पार्टी के शहरी अध्यक्ष मोहम्मद सुबैर, आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष सेबेटियन तिर्की, अभिभूषण घोष, अमीर बख्श, विशाल दीन और सभी पीआरआई सदस्य उपस्थित रहे। INS जरवा ने जरवा हाई ग्राउंड में अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर अंडमान निकोबार कमान मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ और एडमिर संदीप एस संधु मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। गौरतलब है कि INS जरवा को तत्कालीन नौसैनिक प्रमुख द्वारा नियुक्त किया गया था। 15 फरवरी 1964 को वाइस एडमिरल बीएस सोमन को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर सभी नौसेना अभियानों की निगरानी के लिए बेस के रूप में नियुक्त किया गया। INS जरवा ने कमिश्नरिंग के बाद खुद को एक प्रमुख के रूप में स्थापित किया है। इस बेस का नाम अंडमान द्वीप समूह की स्वदेशी आदिवासी जरवा जनजाति के नाम पर रखा गया है। द्वीपों की भावना को उजागर करने के लिए INS जरवा के शिखर में एक भला होता है जो अंडमान द्वीप समूह में दो प्रमुख भूमि चिन्हों अथवा वॉर्ड ओ रटलैंड द्वीप और दाई ऑल सेंटर हित पर रखा जाता है। INS जरवा अब मुख्यालय अंडमान और निकोबार कमान और मुख्यालय नौसेना घटक सहित 24 अतिरिक्त इकाइयों के लिए बेस डिपो जहाज के रूप में कार्य करता है। INS जरवा की 60 वर्षों की गौरवशाली सेना का जश्न मनाने के लिए 300 से अधिक सेवा कर्मी, रक्षा नागरिकों और दिग्गजों ने कार्यक्रम में भाग लिया। आज के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।